प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के शिक्षा दर्शन के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा कि आखिर प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत क्यों प्रचलित किया, क्यों प्रतिपादित किया। दूसरी ओर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर तत्कालिक समय की एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरी स्थिति, प्लेटो ने ये शिक्षा पद्धति का निर्माण का उद्देश्य क्या रखता है। चौथी ओर देखें तो प्लेटो शिक्षा के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है। ऐसे प्रश्नों के प्रकाश में अगर हम इसको खोजने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और प्लेटो का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति करना है और न्याय की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ शासक की आवश्यकता है और श्रेष्ठ शासक के लिए श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना आवश्यक होता है। और विकास में अगर कोई चीज़ सहयोग करती है तो शिक्षा ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास हो सकता है। और शिक्षा को इतिहास में आज तक ये माना गया है कि व्यक्ति के को जो बनाया जाए उसको बनाने का अगर कोई माध्यम है तो वो शिक्षा है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि मेंटल मेलेडी बाई मेंटल क्योर, मानसिक बीमारी का मानसिक इलाज होता है, शारीरिक बीमारी का शारीरिक इलाज होता है और व्यक्ति का जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, उसका निर्माण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। और शिक्षा ही वह तत्व है जो आत्मा को चतुर्दिक जागृत करती है, उसे प्रकाशित करती है, इसे पुंज में बदलती है और उसके विवेक को विकसित करती है और उसके माध्यम से व्यक्ति नैतिक और अपने कर्तव्यों की पालना करना सीख जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्लेटो ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि प्लेटो को लगता है कि जो भी सुकरात के साथ अन्याय हुआ उस अन्याय के पीछे शासक का अज्ञानी होना है। अगर शासक ज्ञानी होता तो अन्याय नहीं करता। तो शासक को ज्ञानी बनाने के लिए प्लेटो शिक्षा की बात करता है। और शिक्षा के अगर उद्देश्य की बात करें तो श्रेष्ठ शासक का निर्माण करना प्लेटो की शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। प्लेटो आगे लिखते हैं कि रिपब्लिक जो है उसमें 10 मूलतः बड़े अध्याय हैं जिनमें से 5 अध्याय शिक्षा पर लिखे गए हैं। इसीलिए रूसो कहते हैं कि प्लेटो एक बहुत बड़ा शिक्षा का दार्शनिक विचारक था और प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक कंसर्निंग न्याय का जस्टिस ही नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और प्लेटो एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। प्लेटो की शिक्षा के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो प्लेटो कहता है प्लेटो के तात्कालिक समय में एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति का प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर प्रभाव पड़ता है। दोनों शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करते हुए प्लेटो एक संतुलन का कार्य करते हैं और एक दोनों के संतुलन से एक श्रेष्ठ और व्यवहारिक शिक्षा का निर्माण करने का कार्य प्लेटो ने किया है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा एथेंस की जो शिक्षा थी वह स्वतंत्र शिक्षा नहीं थी बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए परिवार के माध्यम से उस पर खर्च किया जाता था। राज्य का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और राज्य जो है शिक्षा द्वारा प्रसारित नियंत्रित नहीं होता था, परंतु उस शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो सैनिकों का निर्माण करना था। और इसी प्रकार से ये जो शिक्षा है ये शिक्षा स्वतंत्रता की शिक्षा देती है। समानता स्त्री और पुरुष की शिक्षा में असमानता थी। ऐसी स्थिति में प्लेटो जब एथेंस में दूसरे राज्य की शिक्षा की बात करता है तो वह शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा की बात करता है कि राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ शासक का निर्माण है, इसलिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा स्त्री और पुरुष की समानता की होनी चाहिए, ये नहीं कि पुरुष को सैनिक शिक्षा दी जाए और स्त्री को व्यायाम और सौंदर्य की शिक्षा दी जाए। प्लेटो कहता है दोनों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा व्यक्ति का चहुदिक विकास कर चतुर्दिक विकास करती है, आत्मज्ञान को विकसित करती है। इसलिए प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष की समानता की बात करती है। और प्लेटो की शिक्षा के जो स्तर हैं उच्चतर स्तर और निम्नतर स्तर, दो प्रकार के स्तरों की बात करता है। और प्लेटो की शिक्षा योजना लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा योजना है जो मानव के जन्म से लेकर 55 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें पहला जो फेज है जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, वो 6 वर्ष की अवस्था से लेकर के 20 वर्ष की अवस्था तक चलती है। और 20 वर्ष की अवस्था में वह परीक्षा लेता है और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं वे शासक की शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं और जो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं वे बन जाते हैं। अब प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? अगर प्लेटो की शिक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा की जाए तो 6 वर्ष के बालक के लिए प्लेटो शिक्षा संगीत की शिक्षा की बात करता है, व्यायाम की शिक्षा की बात करता है, कहानियों के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साहस और वीरता के गुणों की बात करता है। और प्लेटो कहते हैं कि जो साहित्य ज्ञान
विज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसके बौद्धिक चिंतन को विकसित नहीं करता, जो उसे भयभीत करता हो, जो उसे डराता हो, ऐसी कुलुषित शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्लेटो कहता है जो व्यक्ति के साहस को निर्मित करती हो, जो व्यक्ति के विवेक को जागृत करती हो, उन घटनाओं को और उन प्रकार की नैतिक शिक्षाओं को प्लेटो देने की बात करता है। इसलिए प्लेटो कुलुषित साहित्य पर रोक लगाने का कार्य भी कर देते हैं। प्लेटो का चिंतन अगर शिक्षा के माध्यम से हम देखें तो प्लेटो एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री है, जो कहता है कि बालक को उसके मन की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, कहानियों के माध्यम से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, निर्भीक उसे बनाया जाना चाहिए। उसका पाठ्यक्रम में व्यक्ति के व्यायाम की शिक्षा होनी चाहिए। व्यायाम का अर्थ केवल मात्र वर्जिश करना नहीं है, जिम्नास्टिक करना ही नहीं है। प्लेटो के व्यायाम का मतलब है क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, जिससे उसका स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थता के अंदर स्वस्थ आत्मा का निवास करे, स्वस्थ बुद्धि का विकास हो। इसलिए एक प्रकार से प्लेटो की शिक्षा खानपान के ऊपर भी आधारित है कि उसे गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति को जो है सात्विक भोजन किया जाना चाहिए, व्यक्ति के विचार सकारात्मक होने चाहिए। प्लेटो इसी शिक्षा के साथ कहता है संगीत और व्यायाम की शिक्षा आवश्यक है। संगीत आत्मा का दर्पण है, संगीत आत्मा को झंझोर देती है, संगीत जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भावनाओं को प्रफुल्लित करती है। संगीत के बिना व्यक्ति आत्मा, जिस आत्मा का भोजन है संगीत, इसलिए जिस प्रकार शरीर का भोजन अन्न है, उसी प्रकार आत्मा का भोजन जो है वो ज्ञान है, शिक्षा है। इसलिए प्लेटो इस शिक्षा पर बहुत जोर देता है, जो भावनात्मक शिक्षा के साथ बौद्धिक विवेक की शिक्षा है। इसलिए प्लेटो गणित पर जोर देता है और कहता है, प्लेटो जो अकादमी स्थापित करता है उसमें कहता है कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश न करें। अर्थात गणित जो है वो प्लेटो के लिए आवश्यक है, क्योंकि गणित के माध्यम से युद्ध की व्यूह रचना के बारे में वह सीख सकता है। गणित के माध्यम से व्यक्तित्व के काउंटिंग का कार्य करता है, विवेक का और ज्ञान का विकास होता है, द्वंद्ववाद की चर्चा होती है। इसलिए प्लेटो की शिक्षा जो है वो संगीत की शिक्षा है, व्यायाम की शिक्षा है, स्वास्थ्य की शिक्षा है। और ये शिक्षा जब व्यक्ति प्राप्त करता है, समानता की शिक्षा है, स्त्री पुरुष के बल किसी प्रकार का भेद न करने की शिक्षा है, फिर परीक्षा होगी इन पाठ्यक्रमों के पश्चात, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वह व्यक्ति उच्चतर शिक्षा में चला जाएगा। तो एक और प्लेटो की शिक्षा सैनिक का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है और हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम प्लेटो की उच्चतर शिक्षा की अगर बात करें तो प्लेटो की उच्चतर शिक्षा द्वंद्ववाद की शिक्षा है, ज्ञान की शिक्षा है, सत्य के मार्ग तक पहुंचने की शिक्षा है, ज्योतिष की शिक्षा है, ज्योतिष के साथ सांधविक विज्ञान की शिक्षा देता है। प्लेटो जो है सांधविक विज्ञान के साथ कला, साहित्य की और कला पर, जो साहित्य और कला व्यक्तित्व के विकास में निर्माण करती है उसी की शिक्षा देता है, और जो निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करती है उसे रोकता है, उस पर रोक लगा देता है। इसलिए प्लेटो यहाँ गणित की शिक्षा, ज्योमिति की शिक्षा, नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा, विवेक और विज्ञान की शिक्षा, तो अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का कार्य करता है प्लेटो। और इसके पश्चात प्लेटो पुनः परीक्षा आयोजन करता है, और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है वो शासक वर्ग के लिए तैयार होता है, और शासक वर्ग जो है श्रेष्ठ राज्य का शासन कर सके, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो सके, इस प्रकार की बात करता है। इसलिए प्लेटो का चिंतन जब 50 साल की अवस्था में, 35 से 50 वर्ष की अवस्था में प्लेटो परीक्षा करके शासक बनाता है, तो वो दार्शनिक शासक की बात करता है, जो मोह से रहित होगा, ज्ञान से युक्त होगा, कल्पना से परिपूर्ण होगा, विवेक जनित होगा, श्रेष्ठ शासन होगा, जो आत्मा की गुणों के आधार पर अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह करने वाला होगा, समाज की संरचना में अपना योगदान देगा, किसी वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि हर वर्ग के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए प्लेटो की शिक्षा एक दार्शनिक की शिक्षा है। अब वह व्यवहारिक शिक्षा पर ग्रहण करता है और व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समाज का ज्ञान प्राप्त करता है, और सामाजिक ज्ञान और विवेक के माध्यम से उत्पादक वर्ग की समस्या, सैनिक वर्ग की समस्या, शासक वर्ग की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है, और उसी के साथ सामाजिक एकता स्थापित करने का कार्य करता है, कर्तव्य और न्याय का कार्य करता है। इसलिए प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो जन्म से लेकर आगामी शासक बनने के पश्चात भी चलता रहता है, और शासक बनने का जो अर्थ है वो एक प्रकार से त्यागपूर्ण जीवन की पराकाष्ठा है। व्यक्ति त्यागी होगा, संत होगा, साधु होगा, कर्तव्य की पालना करना होगा, समाज प्रेरित होगा, दो रोटी पर अपना जीवन गुजार देने वाला श्रेष्ठ समाज का एक दार्शनिक शासक बन जाएगा, और पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा साम्राज्य उतर आएगा। यही प्लेटो की कल्पना है, और शिक्षा के माध्यम से ही ये संभव है। परंतु यहाँ प्लेटो के चिंतन में एक और प्रश्न उदित होता है कि क्या श्रेष्ठ व्यक्ति, क्या शिक्षित व्यक्ति, क्या ज्ञानी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हो सकता?
क्या श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति भ्रष्टता के साथ लालची नहीं हो सकता? क्या श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति समाज से परे अपने कर्तव्यों की पालना के स्थान पर स्वार्थ की पालना नहीं कर सकता? क्या श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति पदवलित नहीं हो सकता? हो सकता है। आज भी अगर हम राजनेताओं को देखें तो वो भ्रष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जो इतने शिक्षित हैं, योग्य हैं, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो प्लेटो यहाँ शिक्षा के बाद वो करता है कि व्यक्ति जो शासन करेगा उस शासक वर्ग के लिए प्लेटो एक साम्यवाद की शिक्षा योजना प्रतिपादित करता है, उसे एक प्रकार से वो रोक देता है जो अवरोध की शिक्षा है। एक प्लेटो की शिक्षा सकारात्मक है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, दूसरी ओर प्लेटो की शिक्षा यहाँ नकारात्मक है जो व्यक्ति को गलत कार्यों से लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, परनिंदा, इन सब चीज़ों से रोकने का कार्य करती है। और रोकने के पश्चात ही व्यक्ति जो है समाज हित का कार्य करता है, स्वार्थ की बात नहीं करता है। कल हम प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।